इस वक्त बिल्कुल मुनासिब नहीं है, हम आगे जाए, वी आर स्टक। आई वॉज लुकिंग फॉर एडवेंचर एंड आई गॉट वन। अस्सलामुअलैकुम। पिछले व्लॉग में रात को 8 बजे हम घर से रवाना हुए और हसन अब्दाल सुबह 2 बजे आ पहुंचे हैं। तो हमने घर का बनाया हुआ खाना यहाँ खाया। जी हाँ, हम मियाँ जी होटल रुके हैं और हमने इनसे इजाज़त मांगी है कि हम यहाँ पे खाना खा सकते हैं या नहीं। अपना खाना, अपना घर का बना हुआ खाना जो मेरी कज़न ने बनाया है। थैंक यू बुशरा, बहुत शुक्रिया। देखें माशाल्लाह की मुर्गी और साथ पराठे। आगे जाके हम कुछ ना कुछ ले लेंगे, लेकिन अभी तो हम खुद अपना घर का बना हुआ खाना खाएंगे। या पराठा। अगर मैंने कभी भी हॉलैंड से माइग्रेट किया तो मैं चीज़ को बहुत मिस करूंगा। कुछ चीज़ मैं अपने साथ लेकर आया, मैंने सोचा अपने दोस्तों को थोड़ा सा चखाऊंगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, बेइज्जती होगी मेरी। सिंस आई एम फ्रॉम हॉलैंड, जहाँ भी मैं चीज़ देखता हूँ आई बाय चीज़। तो ये मैंने अपने दोस्त को पहली दफ़ा आई थिंक ये टेस्ट करें। दूध नहीं बनी है। अच्छा, अरे टेस्ट करो कैसा जायका दसो। ठीक है, टेस्ट करो ना, करो ना, ठीक है, खाओ से सही ना, ट्राई तो करो, कसम से ट्राई करो, बड़ी मजेदार है। दरवाजा विच भी ट्राई करो ना, मिस कर सकते हो। दीदी कैसी है? अच्छी है। दूध है यार? दूध नहीं है, दूध भी, लेकिन मैं कभी खाई नहीं। तुम्हारी कैसी लगी है? हेलो, लगता है फिर मुझे ही खानी पड़ेगी सारी। आगे का सफ़र था तकरीबन 1.5 घंटे से 1.25 घंटे तक का, 72 किलोमीटर्स फ्रॉम हसन अब्दाल टू एबटाबाद। मेरा प्लान था 7 दिन गिलगित बल्तिस्तान जाने का, और ज़हनी तौर पे मैं आपको बता चुका हूँ मैं तैयार था कि यार कुछ भी हो सकता है। बहुत सी कहानियाँ मैंने सुनी हुई थी, लेकिन अभी हमारा यार सफ़र शुरू ही नहीं हुआ, हम मंजिल तक पहुंचे ही नहीं, और एबटाबाद ने हमारा ऐसा खैर मकदम किया कि मैंने सोचा यार हमें वापस जाना चाहिए। अगर अभी से हमें ये देखे बारिश का सामना करना पड़ रहा है, हम आगे नहीं जा सकते, तो फिर आगे हमें किस किस मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ेगा। मैं आपको डरा नहीं रहा, बस आप ज़हनी तौर पर तैयार रहें, कुछ भी हो सकता है। उची जगह समझो, मैं चल निकल डूंगी जा इस वक्त हम काफी ट्रबल में हैं, डेंजर है कि गाड़ी एकदम स्टक हो जाए। सो आई थिंक वी शुड, यार आप कहीं गाड़ी ऊपर ले जाएं प्लीज, मैं कह रहा हूँ। अभी बेल्ट गीला हो गया ना, उसकी वजह से आवाज है। हाँ तो मैं सच कह रहा हूँ, सकी गड्डी से रोक देनी चाहिए, ऊंची जगह पे नहीं। असल ही पता क्यों जी, उस साइड में बढ़ना क्यों ना, कोई पता नहीं डल्ला होया, गड्डी भी टैग हुआ है। ये डल्ला की थी उसी यार, कोई पता नहीं होना, पंप पे मारने पता नहीं है ना, याद बताऊंगा रोया ना। अभी हम गाड़ी यहाँ पे ले आए हैं पेट्रोल स्टेशन,
आई होप कि दे विल नॉट माइंड बिकॉज आगे जाना मुनासिब नहीं है. मैं नहीं चाहता कि रास्ते में हमारी गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाए. लेट्स वेट फॉर 15 मिनट्स. ये जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे स्टक हैं. बारिश बहुत तेज है और ऊपर से हिल से पहाड़ियों से पानी सारा नीचे आ रहा है जमा होके, और मुनासिब नहीं है कि हम अपनी गाड़ी सड़क पे लेकर जाएं. हम यहाँ पे पेट्रोल स्टेशन हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है, ये देखें, क्योंकि गाड़ी ट्रबल देना शुरू हो गई थी. इस वक्त बिल्कुल मुनासिब नहीं है हम आगे जाएं. वी आर स्टक. आई वॉज लुकिंग फॉर एडवेंचर एंड आई गॉट वन. कैसा? अच्छा जनाब, बारिश हो रही है अभी. मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है जनाब. अभी देखते हैं आगे क्या होता है. जैसा कि मैंने पहले भी कहा था आपको स्टार्टिंग में, ये जो हम ट्रिप कर रहे हैं इसका कोई भरोसा नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा. Although I am quite enjoying it, I think this is very adventurous. मैं इसलिए हंस रहा हूँ मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि हमारी गाड़ी स्टक नहीं हुई है. अगर स्टक हो जाती तो देन आई वुड रियली हैव बीन वरीड. क्योंकि मेरे जो फ्रेंड हैं वो कह रहे हैं कि गाड़ी लेकर जाओ, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, प्लीज़ इंतज़ार करें. So let's see what will happen. Maybe after 1 hour जब रोशनी हो जाएगी तो फिर हम आगे बढ़ेंगे. मेरे ये दोस्त इधर आओ. मेरे ये दोस्त कह रहे हैं कि हमें अब चलना चाहिए. मैं भी जाना चाहता हूँ लेकिन मुझे डर लग रहा है कि गाड़ी कहीं स्टक हो जाए. अल्लाह ना करे गाड़ी स्टक हो. कुछ भी नहीं होगा जी. आई ट्रस्ट यू. इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा. ठीक है, आई ट्रस्ट यू. कुछ भी नहीं होगा. चलते हैं इंशाल्लाह. ओके गाइस, लेट्स गेट गोइंग. या क्या ख्याल है जी? कलमा पढ़ के आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अल्लाह का नाम लेके. ये था मेरा गिलगित बल्तिस्तान सफ़रनामे का दूसरा व्लॉग. मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा. अपनी पसंद का इजहार आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं. हो सके तो ये वीडियो शेयर कीजिएगा, लेकिन लाजमी मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि तीसरा व्लॉग मैं इंशाल्लाह कल अपलोड करूँगा.